सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सत्य बोलने वाले के जीवन में शांति होगी साहब, झूठ बोलने वाले के जीवन में शांति नहीं होगी। सत्यम नास्ति, आज सत्य चला गया। बताइए आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो सदा सत्य के रास्ते पर चलते हैं, सत्य बोलते हैं? आप में से कितने लोग सत्य बोलते हैं? कितने लोग हैं आप सत्य बोलते हैं? तो ये बताओ झूठ बोलते हैं? बोलो हाँ। तो आप ये बताओ झूठ बोलना पुण्य है कि पाप? जोर से, पाप। आपको पता है ना कि पाप है? मतलब आज का आदमी इतना निडर हो गया है, वो जान रहा है कि ये पाप है, फिर भी डरने को तैयार नहीं है। यही आज का सबसे बड़ा क्षति है, सबसे बड़ी। आज आदमी जान सब रहा है लेकिन डरता नहीं। वो नरक जाए तो जाए जी, मैं ब्रह्मा को नहीं डरता, ऐसा आदमी कहता है। जब डर ही नहीं है तो जिस बेटे को बाप का डर नहीं होता वो रास्ता भटक जाता है। जिस आदमी को धर्म का डर नहीं होता, दुर्योधन को भी धर्म का डर होता तो भरी सभा में अपने भौजाई के, अपने भाभी के कपड़े ना उतारता। धर्म का डर नहीं था इसलिए तो महिला को कपड़े उतार के उसे निर्वस्त्र करने की सोच रहा है। रावण को डर नहीं था इसलिए तो दूसरों की पत्नी को उठा कर ले आया, कहता है तुम तो मेरी बन जाओ। जिसके अंदर धर्म का डर होता है वो गलत काम नहीं करते। राम को डर था कि मेरा धर्म, राम से वनवास के लिए कहा 14 साल का वनवास। राम जी कह देते मैं नहीं जाता, क्या कर लोगे, क्या कर लेता कोई, नहीं जाता मैं नहीं। राम भी डरते थे किससे, कहीं धर्म ना टूट जाए। राम वनवास ना जाते तो राम के हाथों धर्म टूट जाता, और राम ही धर्म तोड़ते तो फिर धर्म की बातें करता कौन? इसलिए आप ही धर्म तोड़ोगे तो धर्म निभाएगा कौन, कहां जाएगा धर्म? आपने तो सत्य बोलना छोड़ दिया। सत्य बोलना धर्म है, झूठ बोलना अधर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर। इस धरती का सबसे बड़ा पाप क्या है बताओ मुझे? इस संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? बोलो जोर से, सबसे बड़ा पाप क्या है भैया बताओ? इस धरती का सबसे बड़ा पाप क्या है? झूठ बोलना। इस धरती का सबसे बड़ा पाप है झूठ बोलना, और सबसे बड़ा पुण्य है सत्य बोलना। आपके सामने पुण्य भी है, पाप भी है। अब आप फिर भी गलत रास्ते पर चलें तो भगवान जिम्मेदार नहीं है। आपके अपने गुनाह, अपने कर्म आपको दुखी करते हैं और आप आरोप लगाते हैं भगवान को। तो आप झूठ क्यों बोलते हैं? आपसे सवाल। महाराज जी व्यापार है, बिजनेस है, झूठ से ही चलता है। अच्छा आप ये बताओ, सच बोलेंगे तो भूखे मर जाएंगे आप? आपसे सबसे मेरा सवाल है, आप लोग सत्य बोल के अपनी दुकानदारी चलाएंगे, व्यापार करेंगे तो क्या आप लोग भूखे मर जाएंगे? क्या सत्य इतना गया गुजरा है कि आपको भूखा मार डालेगा? विश्वास कर लो मेरे भाइयों, सत्य के रास्ते पर चलने वाला ना तो कभी भूखा मरेगा ना कभी दुखी होगा। हाँ, दो पैसे कम आ सकते हैं माना कि शुरू में, पर सत्य के रास्ते पर चलोगे तो वही सत्य आपको लोक से परलोक पहुंचाएगा, वही सत्य आपकी रक्षा करेगा, वही सत्य है जो आपको शांति दिला सकता है। झूठ के पैसे कमा लो करोड़ों, करोड़ों कमाने में भी शांति मिल जाए तो कमा लो ना, पैसों में शांति है क्या? क्यों कमा रहे हो झूठ बोल के? सत्य की रोटियां क्यों नहीं खा रहे हो?
पहले का धन पीढ़ियों तक टिकता था, पहले का धन पीढ़ियों तक टिकता था, हाँ या ना? आज का धन पीढ़ियों तक नहीं टिकता, कारण क्या है? पहले का धन ईमानदारी का था, तो ईमानदारी का धन बेटा 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 तक जाता है, पीढ़ियों तक चलता है। बेईमानी का धन ज्यादा से ज्यादा 10 साल। बेईमानी के धन की आयु कितनी होती है? झूठ से कमाया धन, चोरी से कमाया धन, इसकी अधिक से अधिक आयु होती है 10 साल। 11वें साल तो चमड़ी निकाल के जाएगा, झूठ बोल के कमा लो, 10 साल बाद वो अपना रास्ता तैयार कर लेगा। इसलिए ईमानदारी से चलोगे तो तुम्हारे बेटे का बेटा का बेटा भी तुम्हारे धन पर आराम से खाएगा, शांति से जीवन जिएगा। बेईमानी का तुम्हारी आंखों के सामने ना निकल जाए तो हमसे साइन करवा लेना स्टाम्प पर, कर लो बेईमानी। जो कर रहे हैं उनका बैकग्राउंड चेक कर लो, सुखी हैं वो? बाहर के बड़े दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, बाहर से देखने में बड़ी बड़ी इमारतें खिंची हैं, अंदर घुसकर देखिए तो अंदर रो रहे हैं, पैसा बहुत, क्योंकि बेईमानी का है। बहू बेटे की खिंचा तनी चल रही है, बाप बे बाहर से महल दिख रहे हैं, वाह वाह कितना बड़ा आदमी है, पर अंदर घुट घुट के जी रहे हैं, नींद की गोलियां खाएं तो भी नींद ना आए, ये बेईमानी है। सोने भी नहीं देती, ताकते रहो उल्लू की तरह। बेईमानी करने में बड़ा मजा आता है, पर जो उसका परिणाम भोगना पड़ेगा खतरनाक है साहब। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करो, विधाता दाल रोटी चलती रहे, भगवान ने छाया दे रखी है, रहने को पहनने को कपड़े हैं, मेहनत से कमाएंगे साहब। 10 रुपए की चीज 11 में बेचना सही है, 1 रुपए का प्रॉफिट भी तो होना चाहिए, मेहनत करते हैं। 10 की चीज 20 में बेचना गलत है, 10 की 12 में बेच रहे हैं तो भी ठीक है, चलो ठीक है, 10 की चीज 15 में बेच रहे हैं गलत है। ये बेईमान, आपको पता है कि मैं गलत कर रहा हूं, बस वो आपको आएगा, अभी अभी समय ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है। क्या है मैया, आम की फसल आने में भी तो 5 साल लगती है ना, आम का पेड़ आप लगाएंगे आज तो फसल आएगी 5 साल बाद, आम की फसल थोड़ा लेट आती है, ऐसे ही तुम्हारे बुरे कर्मों की फसल भी थोड़ा 10 साल लेट है। आम की फसल 10 साल लेट होती है, सॉरी 5 साल, आम की फसल 5 साल बाद आएगी, बुरे कर्मों की फसल 10 साल में आएगी। थोड़ा सब्र रखो, जो पाप किया है वो तुम्हारी आंखों के सामने निकलेगा, कैसे निकलेगा, विधाता निकालेंगे, गलत ना करना बस। आज गलत किए हो अभी तक, कान पकड़ के सॉरी भगवान से, हे प्रभु अपराध क्षमा करो, और धन को धर्म से जोड़ो, अपने धन को धर्म से जोड़ दो, और अब गलत काम नहीं करेंगे, ईमानदारी से दुकान चलाएंगे, ईमानदारी का खाएंगे। ईमानदारी से भी आदमी बढ़ सकता, क्यों जी, ईमानदारी से चलने वाला क्या तरक्की नहीं कर सकता? लोग कहते हैं नहीं जी ईमानदारी से कोई तरक्की नहीं कर सकता, गलत कहते हैं लोग। आपकी नीति और नियत सही हो तो आप 1 कदम चलेंगे, भगवान आपको 10 कदम चलाएंगे। इस सत्य के संग भगवान होते हैं। अर्जुन का साथ दिया भगवान ने, दुर्योधन का नहीं दिया। भगवान कृष्ण किनके संगी बने, दुर्योधन के कि अर्जुन के? बोलो, अर्जुन के, क्योंकि अर्जुन सत्य के साथ है और दुर्योधन झूठ के साथ। भगवान सदा सत्य का साथ देते, इसलिए सत्यम नास्ति, आजकल तो सत्य मानो खत्म होगा, तपः शौचम, कोई तप अब तो बचा ही नहीं, कोई जरा त्याग, हम कहते हैं सवेरे जल्दी उठा करो, भगवान का ध्यान किया करो, यही तो तपस्या है, जंगल जाकर तपस्या करना ही तपस्या नहीं है, सवेरे जल्दी उठ जाना और भगवान के ध्यान में 1 घंटे तक डूबे रहना, यही तपस्या है। घर में बैठ के भगवान का अधिक से अधिक चिंतन करो, फिर काम करने जाओ, बिजनेस व्यापार जो सब करो, भगवान का चिंतन करो, यही तो तपस्या है।
उनके लिए जल्दी जागना, उनके लिए सब करना, यही तपस्या है। सत्यम नास्ति तपः शौचम्।